सो हेलो तो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसे ऐप बताने वाला हूँ जिसका मैं यूज़ करता हूँ अपने यूट्यूब वीडियो को इजी बनाने के लिए, और उससे वीडियो बहुत अच्छी बनती हैं। और वो सारे ऐप अगर आपके पास होंगे तो आपकी वीडियो जैसे मेरी वीडियो बनती है वैसे बनेंगी। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगती है, इसको बिना बोले लाइक दे देना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं अपनी वीडियो पर। ऐप्स बताऊँगा वो सब प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, सारे सारे फ्री ऐप हैं, कोई आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी अच्छी खासी वीडियो बन जाएगी। जो फर्स्ट ऐप है वो है यूट्यूब स्टूडियो। ये बहुत अच्छा ऐप है, ये यूट्यूब की तरफ से ही आता है यूट्यूब को मैनेज करने के लिए। यूट्यूब स्टूडियो ये रहा, आज देखते हैं इसे भी यूज़ कैसे करते हैं। तो हमारा यूट्यूब स्टूडियो ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने चैनल के बारे में, जैसे आपके चैनल पे कितना वॉच टाइम आता है, आपके चैनल पे व्यूज़ कितना आता है, आपके चैनल सब्सक्राइबर चेंज कितने होते हैं। जैसे आपको पूरी दिख रहा होगा, मेरा चैनल का एनालिस्ट सब दिख रहा होगा आपको। लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस दिख रही होगी, बैज वगैरह ट्राइपॉड जो मैंने कल ही डाली उसको भी देख लेना, वॉच बहुत अच्छी वीडियो थी। सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर आपको वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ आपकी सारी वीडियोस ऑन हो जाएंगी, वो पता चल जाएगा इसमें क्या क्या आया था। विजिबिलिटी, शॉर्ट बाय, व्यूज, यहाँ पर सबको ऑप्शन मिल रहा है आपको। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, मैं वीडियो बना दूंगा उसमें। प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं, कमेंट्स का ये आ रहा है, कमेंट्स और एनालिस्ट जिसमें आपको अपने कह सकते हैं वॉच टाइम कैसे देखना है सब कुछ। तो इसके लिए यूज़ होता है हमारा यूट्यूब स्टूडियो। जो सेकंड ऐप है वो है काइन मास्टर फॉर एडिटिंग द वीडियोस। आओ देखें इससे भी वीडियोस कैसे एडिट करते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम काइन मास्टर के बारे में। अभी ओपन हो रहा है काइन मास्टर, और हाँ काइन मास्टर में कोई नेट नहीं लगता है, मैं अपनी सारी वीडियोस इससे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको प्लस का बटन दिख रहा होगा, आपको उसमें क्लिक करना है। अब अपना रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं 6:9 का रेशियो सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे आपको कोई भी वीडियो उठानी है, मतलब कोई भी वीडियो उठा सकते हैं आप। तीसरा ऐप है वो है एजे स्क्रीन रिकॉर्डर। ये आता है स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। और चलिए इसे भी कैसे यूज़ करते हैं आपको सिखा देते हैं। अब बात कर लेते हैं एजे स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में। फर्स्ट में दिख रहा होगा, तो मैं इसी से अपनी वीडियोज डाउनलोड करता हूँ, इसी से सारी वीडियोज़ आ रही हैं। आप बस जैसे क्लिक करते हैं बैक चला जाता है, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने भी क्लिक किया, तीन ऑप्शन मिलते हैं, वीडियो बंद करने का, वीडियो ऑन करने का और कुछ सेटिंग्स का। इससे आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं विथ ऑडियो। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, ये यूज़ होता है इस एजे स्क्रीन रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए। जो फोर्थ ऐप है वो है थंबनेल मेकर फॉर मेकिंग थंबनेल्स। आओ देखते हैं इसे भी कैसे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं थंबनेल मेकर के बारे में। थंबनेल मेकर ये रहा, दिख रहा होगा फर्स्ट रो में 3rd नंबर पे, क्लिक करते हैं। और हाँ गाइस, ये सारे आपको ऐप मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, थंबनेल मेकर, चैनल आर्ट मेकर, माई प्रोजेक्ट, व्लॉग स्टार, इंट्रो मेकर, कवर मेकर। तो आपको थंबनेल मेकर पे क्लिक करना है। यहाँ से आप कोई भी रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये फोटो को भी ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है। आप बहुत सारे ऑप्शन थे, टेक्स्ट का, स्टिकर्स का, फोटो का, हैंड राइटिंग का, सेटिंग्स का। फिर आपको सही होने के बाद आपको ऊपर जो टिक का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देना, तो आपकी जो थंबनेल है वो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी और यूट्यूब के लिए डाल सकते हैं। जो फिफ्थ टेक्स्ट ऐप है वो है राइट इन कूल टेक्स्ट फॉर टेक्स्टिंग एनीथिंग। आप देखिए इसे भी कैसे यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं राइट इन कूल टेक्स्ट, लास्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट। आपको ऑन करना है टेक्स्ट एडिटर, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पर हमको टेक्स्ट करना है तो हमको टेक्स्ट एडिटर पे ही क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको टेक्स्ट कर टेक्स्ट यहाँ पर सबसे नीचे जो बटन दिख रहा होगा टेक्स्ट, उस पर टेक्स्ट करना है। फिर उसके ऊपर जो रोज में लिखा है एड टेक्स्ट, उस पर भी क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पे अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको डन का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे राइट में, उस पर क्लिक करके आप अपनी टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। ये होता है डिस्क्लेमर डालने के लिए, आपको डिस्क्लेमर डालते हैं उसके लिए। जो सिक्स्थ ऐप है वो है इंट्रो मेकर फॉर मेकिंग इंट्रोज। आपने मेरी वीडियोस देखा होगा, इंट्रो आते हैं उसी से आते हैं। और देखते हैं अच्छे इंट्रोज फ्री में कैसे बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रो मेकर के बारे में, जो बहुत अच्छा ऐप है भाई, इसमें बता नहीं सकता इतना अच्छा ऐप है। इसको क्लिक करते हैं मेक ऑसम इंट्रोज, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा न्यू टेम्पलेट्स। इसमें कुछ आपको नॉट नाउ पे क्लिक करना है,
तो इसमें कुछ आपको VIP के मिलते हैं जो आपको परचेज करने पड़ते हैं, पर कुछ आपको इसमें फ्री भी मिल जाते हैं। सबको साइबरपंक दिख रहा होगा, फायर इंट्रो, जो VIP होता है उसके कोने में लिखा होता है VIP, ऐसा आपको दिख रहा होगा। ग्लिच लोगो इंट्रो, तो इसमें आपको लिखा है VIP, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको परचेज करना पड़ेगा। पर जो बिना उसके होते हैं आप उनमें क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी खोल लेता हूँ, मैं ये वाला खोलता हूँ। आपको पहले सेलेक्ट करना है आपको कौन सा चाहिए, 480p वाला या 180p वाला, तो कोई भी आपको क्लिक करना है। जैसे हम उसको क्लिक कर देते हैं, थोड़ा टाइम लेता है होने में, पर आप देखिए इसकी क्वालिटी कितनी बढ़िया आ रही है। डाउनलोडिंग रिसोर्सेज होती है इसमें, आप देख सकते हैं। अब वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर देना गाइस प्लीज़, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे अपने योर टाइटल दे सकते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं टेक्स्ट के, टाइटल के, स्टिकर के, म्यूज़िक के और लोगो के। आप जो करना है वो कर सकते हैं। होने के बाद क्लिक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका बन जाएगा। जो लास्ट ऐप है वो है ओपन कैमरा। जिससे भी वीडियो बन रही है फ़ोन में वो ओपन कैमरा है, उससे ये माइक दिख रहा होगा आपको, वो उसी से कनेक्ट होता है। तो इसको भी मैं आपको किसी वीडियो में सिखा दूंगा कनेक्ट कर। अब बात कर लेते हैं ओपन कैमरा के बारे में। ओपन कैमरा किसके लिए होता है? ओपन कैमरा होता है अपने माइक को फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए। तो ओपन कैमरा इसी के लिए होता है, आप अपने सिंपल फ़ोन से अगर माइक कनेक्ट करते हैं तो वो काम नहीं करता है, तो इसलिए ओपन कैमरा होता है। और मैं आपको किसी भी वीडियो में इसको बता दूंगा कि इसमें माइक कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगती है तो इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।